अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर पाटनकर साहब, डॉक्टर शेख अलाउद्दीन, डॉक्टर जाकिर काजी, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी, मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी, हमीद नाथानी जी, हमारे दोस्त साथी बुजुर्ग साथी इलियास नायकवड़ी साहब, इकबाल ऑफिसर, एडवोकेट काजी मेहताब, डॉक्टर कासिम इमाम जी, गफ्फार भाई, हमारे विधायक वारिस पठान साहब, नासिर पठान जी, खुर्शीद सिद्दीकी जी, मोहतरम शोराए इकराम, सारे भाइयों बहनों और जिनके लिए हम सभी आज यहाँ उपस्थित है, वो हमारे प्यारे नेता सुहेल भाई। मुझे अभी समझ में आया है कि जल्द से जल्द मुझे ख़त्म करना है, तो मैं ज़्यादा देर आपके और मुशायरे के बीच खड़ा नहीं रहूँगा। बहुत साल से मैं आदरणीय लोखंडवाला साहब को जानता हूँ, पिछले 15-20 साल से उनको जानते हुए मैं एक बात समझ में आया कि कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो वो पूरा ही करके वो रखते हैं। कभी उन्होंने काम हाथ में लिया और आधा छोड़ा, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। आज कैंसर का काम उन्होंने ट्रस्ट का हाथ में लिया है, जिसका जिक्र उन्होंने भाषण में उनके किया, और बहुत नेकी से बहुत साफ सुथरा और गरीबों को मदद करने का काम हो रहा है। सोहेल भाई को सभी आप जानते हैं, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके सामाजिक खिदमत, जज्माई अमल, उनका जोश देखकर मुझे एक छोटा सा शेर याद आता है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी जाऊं तो शफक छोड़ जाऊंगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन सोहेल भाई की पर्सनालिटी का कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वक्त का बहुत आज शॉर्टेज है और 2 बजे तक आप रुकने वाले हैं। मैं भी सोचता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी शायरी सबके सामने और मैं भी सुन सकूं। मैं सोहेल भाई को सालों से जानता हूं, लेकिन पिछले दिनों हमारे मीरज में वो आए थे और हमारे बुजुर्ग नेता इलियास नायकवड़ी जिन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत खास स्कूल बनाया है और उसके लिए शरद पवार साहब को उन्होंने इनवाइट किया था, उनके हाथों से उसका उद्घाटन हुआ। और उस सारे नेक काम में आज नहीं, बहुत सालों से सोहेल भाई उनको मदद करते आ रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ वो भी आए हैं। मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद उनके पीछे है। मैं आज एक जो न्यूज़पेपर का इनॉग्रेशन हुआ, यानी रिलीज हुआ अवामी राय का आज के दिन का, उसमें उनके फोटोग्राफ देखे और मैं तो जब से आपको देख रहा हूँ आप ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन उनमें जो फोटोग्राफ है वो आपकी जवानी के फोटोग्राफ है और इतने हैंडसम आप उस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत साल से आप शिक्षा की सेवा की है, एजुकेशन में बहुत साल गुजारे हैं और ये काम करते करते
आप पॉलिटिक्स में भी आए, पॉलिटिक्स में आपको अलग अलग अनुभव आए होंगे, लेकिन आपके आज के सारे अनुभव हम सभी लोगों को मार्गदर्शक है, और इसीलिए आपको आपके 50 साल के काम के लिए हमारे अवामी राय के सारे दोस्तों ने यहाँ आपको सम्मानित किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बोलने के लिए बहुत लंबा भाषण मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सारे सामने के दोस्त बार बार उनके मुंह पे, उनके हाथ पे और उनके आँख में आने वाले सारे हमारे शायर शायर जो भी सामने आएंगे उनको सुनने का मूड है, और इसीलिए फिर एक बार आप सबके तरफ से मैं सोहेल भाई को का अभिनंदन करता हूँ। उनकी पत्नी, हमारी मराठी में कहा जाता है कि हर एक मर्द के पूछे ने हर एक मराठी में हर प्रत्येक अभी मराठी भूल गया हमें देखो लेकिन हर एक अच्छा काम करने वाला और सक्सेसफुल आदमी के पीछे, एक सफलता सफल पुरुष के पीछे एक औरत रहती है, और उनकी जो सफलता है आज की सफलता वो सिर्फ 69 है, ऐसा लगता नहीं। आप बार बार आपका उम्र मत बताइए, लेकिन 69 की उम्र है, लेकिन मिसेस लोखंडवाला जी ने भी उनके ये सारे प्रवास में उनका उनका साथ दिया है, उनको भी यहाँ पे अभिनंदन उनका भी करता हूँ, और मेरे दो शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।